हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स हॉट 30 आईफोन है, तो इन्फिनिक्स हॉट 30 आईफोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30 आईफोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोन को फ़ोन को आप कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ऑटो रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं। स्पेशल फंक्शंस पे जाना है, एक्सेसिबिलिटी पे जाकर आपको यहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को ऑन कर देना है। सिंपली इसको ऑन करते हैं, तो ऑन करके आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से शॉर्टकट आइकन आ जाएगा, पावर आइकन्स पे जाएंगे और जैसे फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस रिस्टार्ट ऑप्शन के ज़रिए फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप देखते हैं कि पावर ऑफ़ करना चाहें तो पावर ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर SOS कॉलिंग, इमरजेंसी कॉलिंग लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से कॉलिंग लग जाएगी और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो